नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एक नज़र जो है पहले इन खूबसूरत से सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों पर भी डाल लेते हैं। ये देख लीजिए, गार्डन थोड़ा सा मैसी है, लेकिन वो वाला हिस्सा मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, जो अच्छा है वो ही आप सबको मैं दिखाऊंगी। और आज के वीडियो में बात करूंगी कुछ ऐसे परमानेंट पौधे जिन्हें ना तो किसी खाद पानी की ज़रूरत होती है, ना ही किसी देखभाल की ज़रूरत होती है, और ना ही किसी तरीके की कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। वो पौधे अपने आप में ही इतने मस्त मौला होते हैं, अपने ही मर्जी के मालिक होते हैं कि बस जिस भी आप उनको माहौल में रखोगे उसी में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलते जाते हैं। फैलते तो इतने ज़्यादा हैं कि उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। इतने बेफिक्रे पौधे होते हैं कि बस एक बार आप उन्हें लगा लो फिर आपके गार्डन से कभी ख़त्म नहीं होंगे। अपनी सुंदरता आपके गार्डन में हमेशा बरकरार करते हैं और आपके गार्डन को हमेशा सुंदर बनाते हैं। और बस मैं तो उनमें हमेशा बिल्कुल सादा जो नॉर्मल पानी होता है ना वो ही देती हूँ, किसी तरीके की कोई खाद वगैरह मैं उन्हें नहीं देती हूँ। और उसी में जो वो इतने अच्छे से चलते हैं कि मुझे उनको लगाने के लिए गमले भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए दिखाती हूँ आप सबको उन पौधों को। और मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले इस कैटेगरी में बात करूँगी इस सिंगोनियम के बारे में। आप देख सकते हैं कि मैंने दो छोटी छोटी बोतल में इनको लगाया है और इतने सारे हैं मेरे पास ये कि जब भी मैं इनकी कटाई छटाई करती हूँ ना बहुत ज़्यादा जब फैल जाते हैं तो मैं इनको गिराने की बजाय किसी न किसी बोतल में डब्बे में जो भी मुझे कुछ भी मिलता है मैं उसी में इनको लगा देती हूँ। और इसीलिए मेरे पास ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ये पौधे बने हुए हैं। और यकीन मानिए इन पौधों की मैं कोई भी मतलब इतनी खास देखभाल में नहीं करती हूँ। और आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर ये प्लांट देखने में लगते हैं, बड़ी बड़ी लीव्स इनकी कितनी अच्छी सुंदरता डालती है। और तीन चार दिन में बस एक बार मैं इनको पानी देती हूँ, तीन चार दिन में तो क्या, जब मुझे इनकी मिट्टी सूखी हुई लगती है ना तभी मैं इनमें पानी देती हूँ, नहीं तो मैं इनको बिल्कुल भी इतना पानी नहीं देती हूँ। बहुत ही कम देखभाल इन पौधों की करनी पड़ती है, बिल्कुल नॉन केयर नॉन मेंटेन ये प्लांट होती हैं। और देखने में आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर ये प्लांट लगते हैं। तो सिंगोनियम का प्लांट इतना खूबसूरत है कि बस आपको एक बार इसको लगाने की ज़रूरत है फिर तो आपके गार्डन में इतना ज़्यादा ये हो जाता है कि आप अपने गार्डन में भी चाहे कितना भी इसको बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी आप इसको दे सकते हो। और सेकंड मैं बात करूँगी लाइन से लगे हुए जो मेरे स्नेक प्लांट है ना इनके बारे में। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा, और इनका तो जो एक सस्पेंस है मेरे पास राज है कि कितने इतने सारे जो मेरे गार्डन में ये कैसे हुए हैं उस पर तो मैं बिल्कुल एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे हैं और नन्हे नन्हे जो हैं इसके जो है साइड से भी इसके नन्हे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, अपने आप ही मल्टीप्लाई डिवाइड ये प्लांट होते रहते हैं। बस एक बार आपके गार्डन में ये पौधे आ गए तो फिर तो ये इतने अपने मर्जी के मालिक होते हैं कि अपनी मर्जी से ही अपने आप ही दुगने तिगने पता नहीं कितने ही ये सैकड़ों बन जाते हैं। आप कितना ही इनको मतलब जो है अलग अलग करके अपने ढेरों इसके जो है पौधे आप फ्री में तैयार कर सकते हो। और देख सकते हैं कितना सुंदर है, जब गार्डन में आप और पौधों के बीच में इन पौधों को रखते हो ना स्नेक प्लांट को, बहुत ही अच्छा इस प्लांट से जो है लुक आता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम हार्ड इसकी लीव होती है और बिल्कुल भी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सादा नॉर्मल पानी आप इन पौधों को दीजिए और कोई डिमांड इनकी नहीं है, बिल्कुल बेफिक्रे और मस्त मौला पौधे हैं और गार्डन में सबके ये ज़रूर होने चाहिए। एक ये छोटी वैरायटी है भाई मेरे पास तो सेंसिविलिया की, ये रही जो बहुत ही खूबसूरत ये लगती है। और एक नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं जहाँ पर जो मैंने मल्टी बिल्कुल एकदम मैच मिक्स एंड मैच करके मैंने ढेर सारे पौधे यहाँ पर लगाए हैं। कुछ मैंने जेड प्लांट लगाया है, ये आपको इतना मतलब थोड़ा सा आपको हल्का हल्का इसलिए दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने अभी अभी ना इस प्लांट से काफ़ी सारी कटिंग ले ली है और पौधे तैयार करने के लिए, वरना ये बिल्कुल ये ना मेरी ये बोतल ये दिख भी नहीं रही थी इतना ज़्यादा इसने इसको कवर कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा एक हैंगिंग के रूप में भी आप इसको लगा सकते हो या फिर कोई डेकोरेट करने के लिए कोई दीवार पर किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लुक इस प्लांट से आता है, जेड प्लांट से बहुत ही अच्छी ग्रीनरी आती है और जी मर्जी चाहे जितना भी बना लो, इतनी छोटी सी भी कटिंग इसकी लगाओगी ना वो भी फैल करके बिल्कुल ढक लेगी आपके गमले को। और इधर आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर के जो पर्पल हार्ट ये प्लांट है, इसमें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा अभी तो इसमें नहीं है फूल भी खिलता है पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का। और ये देखिए दिखाते हुए आपको, टूट भी गई है इस तरीके से। और इसकी तो ना ये देखो आप कितनी बड़ी है, ये तीन से चार छोटे छोटे टुकड़े करके मैं लगाऊँगी ना ये वाली कटिंग भी मेरी चल जाएगी।
तो बिल्कुल बेफिक्रे प्लांट है, मस्त मौला है, मनमोजी है, अपनी ही मर्जी के मालिक हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, बढ़ते रहते हैं। आपके संभालने में भी ये प्लांट बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर एक बार आपने लगा लिया तो जी मर्जी चाहे जितना आप इनको बांट सकते हो और अपने गार्डन में भी बहुत ही अच्छी सुंदरता इन प्लांट से बना सकते हो। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बस उसी ऐसे ही अपनी सुंदरता ये आपके गार्डन में बनाएंगे। सादा पानी मैं इनको देती हूँ, कोई फर्टिलाइज़र कोई खाद पानी नहीं देती हूँ। और बहुत सारे मेरे पास हैं, जैसे मैं इनकी कटाई छटाई करती हूँ ना, जब बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तब तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे जो भी मिलता है मैं उनमें इनकी कटिंग लगा देती हूँ, ताकि मेरे से कोई मांगे तो मैं उनको तुरंत निकाल करके दे दूँ। और नेक्स्ट बात करूँगी इस स्पाइडर प्लांट के बारे में। और ये मैंने जो है बिल्कुल मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ से ये दो पौधे मांग करके लेकर के आई थी, दो ही मेरे पास ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने गार्डन में इनको ऐड किया है, लेकिन दिखा देती हूँ कि बिल्कुल अच्छे से सक्सेस हो गए हैं, नया नया फुटाव मेरे यहाँ भी इनके इसमें ला करके हो गया है। और यकीन मानिए ये इतने सुंदर ये प्लांट लगते हैं ना, हैंग करके जब हम इनको लटकाते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। और अब तो मैं इनके ढेरों अपने प्लांट फ्री के तैयार कर लूँगी और जब होते रहेंगे जैसे जैसे आप सबको भी दिखाऊँगी। और बहुत ही अच्छी खूबसूरती इस प्लांट से भी होती है, कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं छोटे छोटे डिब्बों में मैंने इनको लगाया है, बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने आप से ही बढ़ते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, चाहे जी मर्जी इनको फ्री में कितना ही आप बना सकते हो। एकदम मस्त मोला बेफिक्रे पौधे होते हैं स्पाइडर के। ये देख सकते हैं यहाँ पर दो प्लांट मैंने और जेड के हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास जेड प्लांट जो मैं तैयार करती रहती हूँ। अब आते हैं अपनी खूबसूरत सी इस मनी प्लांट के पास में। और मनी प्लांट के तो बस मेरे पास भंडार हैं भाई, बहुत सारी मनी प्लांट है मेरे पास, आप देख सकते हैं मैंने बहुत जगह मनी प्लांट को लगाया है। ये देख सकते हैं आप, बस कटाई छटाई करती रहती हूँ इन पौधों का। एक बात है, जितनी आप इनकी कटाई छटाई करोगे ना उतनी ही ज़्यादा ये ओवरग्रो होते हैं। और मनी प्लांट तो इतना डेकोरेटिव प्लांट है, इतना सुंदर है, पानी में बोतल में भी लगा करके आप इसको जो है डेकोरेट कर सकते हो, और इस तरीके से भी लगा सकते हो, छोटे छोटे में लगा करके इस तरीके से आप हैंग कर सकते हो, लटका सकते हो। इनकी मैंने जो है ना अभी कटाई छटाई कर दी थी, इसलिए आपको ये इतने हल्के हल्के दिख रही हूँ, वरना बहुत ही ज़्यादा भर जाते हैं। इस तरीके से आप देखिए कितना सुंदर ये लुक लगता है ना मनी प्लांट का। और इतना कॉमन प्लांट है, वैसे सबके पास सबके घरों में ही ये प्लांट तो होता ही है। तो ये देख सकते हो आप, इतनी एक बार बस आपकी मनी प्लांट लगी हुई चल गई ना, फिर तो आप इसके इतने सारे प्लांट बना सकते हो। एकदम बिल्कुल अपने मन की मर्जी की मालिक है, इतना ज़्यादा फैलती है कि आपके संभालने में भी ये नहीं आएगी। दूसरा है स्वीट पोटैटो वाइन, आप देख सकते हैं बिल्कुल यकीन मानिए, एक छोटी सी कटिंग जो मैं अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ से इसकी लेकर, और उसके बाद तो मैंने इसके इतने सारे पौधे बना लिए हैं ना, बस छोटी सी आपने इसकी कटिंग लेनी है और मिट्टी में दबा देनी है, आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। और यकीन मानिए जब हम हरे हरे पौधों के बीच में कुछ अलग कलर के पौधे लगाते हैं ना, तो उससे एक बहुत ही अच्छा ही सुंदर मतलब लुक आता है। किसी भी कोने में अगर आप इसको लगाओगे ना, बहुत ही अच्छा वो कॉर्नर बन जाता है। तो बिल्कुल अपनी मर्जी से बढ़ती है, इतनी ज़्यादा फैलती है, संभालने में बिल्कुल भी नहीं आती है। ये भी एकदम मस्त मोला बेफिक्री एक बेल भी कह सकते हैं आप इसको। ये एक ग्रीन कलर में भी आती है जो मेरे पास नहीं है, और मैंने इसको ऐड किया अपने गार्डन में और बिल्कुल फ्री में ही, और बहुत सारे इसके प्लांट में तैयार कर चुकी हूँ, और कोई ज़्यादा देखभाल इसकी भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा, यहाँ भी एक छोटी सी क्रिएटिविटी है, पूरा तो आपको कभी बाद में मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर कुछ पर्पल हार्ट और जेड प्लांट मैंने लगाए हैं छोटे से डब्बे में, और इधर है ये बोट लिली रियो के प्लांट, ये भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं, इतने सारे अपने आप ही बन जाते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, और कटिंग से मैं इसके ढेरों प्लांट बनाती रहती हूँ। इसमें से भी मैंने काफ़ी सारी कटिंग ले ली है, इसलिए थोड़ा सा हल्का है, वरना इतना बिल्कुल पूरा भर चुका था मेरा ये छोटी सी ये जो बोतल है। बिल्कुल एकदम बेफिक्री और मस्त मोला ये पौधा है, ये भी कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, सादा नॉर्मल पानी आप इसे दीजिए और उसी में बहुत अच्छी ग्रोथ ये करता है। और नेक्स्ट है ये एस्पेरिसगस फर्न, और मेरे पास इसका भी एक ही प्लांट है, ये भी मैं लेकर के अभी आई थी, और आप देख सकते हैं कि इसके काफ़ी सारे प्लांट मेरे पास बन चुके हैं। अगर इसको डिवाइड करूँ तो कितने सारे मेरे इसके पौधे बन गए हैं, और अच्छी खासी मेरे गार्डन में मेरे घर में भी ये चल गई है। और कोई खास देखभाल इस पौधे की नहीं करती हूँ, बिल्कुल सादा पानी देख देती हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें ग्रीनरी आई हुई है। वैसे तो मेरे गार्डन में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो और जो पौधे हैं मैं दूसरी किसी वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।